एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में किस तरह से स्त्री पुरुष जो है अपनी पुनर्विवाह को देख सकते हैं। तो इसकी जानकारी अभी तक हमने मेष लग्न से कर्क लग्न तक के जो भी जातक और जातिका है उनके बारे में हमने बताया। आज जो है सिंह लग्न के जो जातक और जातिका है अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि पुनर्विवाह के योग कैसे बनते हैं और उसकी संभावना कैसी हो सकती है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे कि लग्न भाव जो रहता है, जैसे सिंह लग्न है तो लग्न का जो है वो आपका व्यक्तित्व है, और जो जीवन साथी का भाव है लग्न से सप्तम भाव होता है, वो जीवन साथी का भाव होता है जो आपको विदित है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वो अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, और सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, या सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, या उसका कारक जो है शुक्र वो पाप प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का पहला विवाह कोई कारणवश जो भी ग्रह उनको पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, जैसे सूर्य प्रभावित करता है तो क्रोध के कारण, गुरु प्रभावित होता है तो अहंकार के कारण, इस तरह से जो भी ग्रह वहाँ पे मंगल प्रभावित कर रहा हो तो झगड़े के कारण जो भी है विवाह हमारा आजकल की परिस्थितियों में टूटने के कगार पे आ जाता है, मतभेद होते हैं, छोटी छोटी बातों से मतभेद होते हैं, परिवार के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, अपना सास के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सी ऐसी जो भी परेशानियों के कारण अगर पहला विवाह आपका कुछ न कुछ कारणवश नहीं चल पा रहा है और वो तलाक और डाइवोर्स हो जाता है तो दूसरे विवाह के बारे में सोचा जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम बता दें कि सप्तम भाव, जैसे यहाँ पे मान लो 11 नंबर की राशि है, यहाँ जैसे केतु बैठा है और यहाँ पे अगर केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, या पाप ग्रह जो भी है सूर्य है, इनके अगर प्रभाव आ जाते हैं और शुभ ग्रह भी हो और पाप ग्रह भी प्रभावित हो तो दूसरे मैरिज के योग बना देता है। इसी तरह आप देख सकते हैं सप्तम भाव का स्वामी जैसे यहाँ शनि बनता है तो शनि के साथ में यहाँ पे मान लो शनि कहीं पे भी हो उसके साथ में अगर राहु केतु मंगल सूर्य आदि का प्रभाव आ रहा है तो वो भी वो दूसरे भाव को इंडिकेट करता है। ऐसे सप्तम भाव का जो कारक है शुक्र है वो भी अगर पाप प्रभाव में आता है, जैसे यहाँ मंगल के साथ में है या शुक्र शनि के साथ हो या शुक्र जो है राहु है, तो कहने का अर्थ है कि सप्तम भाव में पाप प्रभाव हो, सप्तम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, 6-8-12 में भी बैठा हो, नीच हो, अस्त हो, ऐसे पाप प्रभाव में हो, शुक्र भी आपका 6-8-12 में बैठा हो या वहाँ कहीं पे भी बैठा हो, शुक्र पे भी पाप ग्रहों का अगर प्रभाव होता है तो ये पहला विवाह आपका ब्रेक हो जाता है। और जब ये डाइवर्स हो जाता है तो फिर आप ये चर्चा होती है कि जो जातक और जातिका है अगर वो पुनर्विवाह कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिद्धांत है शास्त्रों में जो बताया गया है कि उसके लिए नवम भाव को देखा जाता है। अगर तो इसमें यह स्थिति है कि अगर नवम भाव बलवान हो और वो शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जातक का दूसरा विवाह होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है जब भी उनकी दशा अंतर चलेगी। तो इसका जो बलवान हो, मतलब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नवम भाव में 1 नंबर की मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल बनता है, तो मंगल यहाँ सौघरी हो सकता है, सो मंगल अपने उच्च का हो सकता है, मित्र ग्रह में हो सकता है, मित्र की ग्रह राशि में हो सकता है, तो या यहाँ भी सौ राशि में हो सकता है। तो जिस तरह से मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ भावों में शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रह उनके साथ में हो, जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है उसके साथ में हो, गुरु हो, इस तरह से मित्र ग्रहों के साथ में होने से वो जो नवम भाव है, नवम भाव में शुभ ग्रह हो, नवम भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह हो, नवम भाव खुद सौ राशि के हो, मित्र राशि में हो, शुभ भावों में स्थिति हो, तो उसको हम अच्छी स्थिति कहेंगे। तो जब ऐसी अच्छी स्थिति बनती है
तो आपकी जब भी दशा और अंतरदशा नव भाव के स्वामी की चलेगी, मतलब अर्थात मंगल की चलेगी, तो आपका पुनर्विवाह के योग बना देता है। इसी तरह से 11वां भाव भी को भी देखा जा सकता है। अगर नवम भाव की अच्छी स्थिति है तो नवम भाव के स्वामी की भी अच्छी स्थिति है, और दशा अंतरदशा मंगल की नहीं चल रही, परंतु आपके 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां पे जो है बुध की राशि है, तो बुध ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तब भी आपका दूसरे भाव के योग पुनर्विवाह के योग बन जाते हैं। ऐसे ही आपका तीसरा भाव को भी देखा जाता है, तो तीसरा भाव जो है वो अगर सुपर भाव में है और उसका स्वामी यहाँ शुक्र बनता है, तो जब भी दशा अंतरदशा शुक्र की चलेगी और वो भी अच्छी स्थिति में है शुक्र, तो आपका शुक्र की दशा अंतरदशा में यानी तीसरे भाव की दशा अंतरदशा में भी आपके शादी के योग बना देते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि नवम भाव आपका बलवान होना चाहिए। नवम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में शादी होगी। अगर नवम भाव और इनकी दशा अंतरदशाएं चल रही, परंतु बलवान है, परंतु 11वां भाव जो अभी इच्छा पूर्ति के भाव है उसके स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही, तब भी पुनर्विवाह के योग बन जाएंगे। और इसी तरह से जो है 7वां भाव है उसकी भी तीसरा भाव है उसकी भी दशा अंतरदशा चलती होगी। जैसे यहाँ शुक्र है तो शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी, तब भी आपका दूसरे भाव के पुनर्विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया ये स्थितियां आपको नवांश कुंडली में देखना चाहिए। जैसे ये D1 कुंडली लग्न कुंडली है, ऐसे नवांश कुंडली D9 कुंडली है, उसमें भी देखा जाता है। और जो वो सपोर्ट करता है जितना अच्छा जिससे हमने यहाँ देखा वैसे वो भी सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो दूसरे विवाह की संभावनाओं को बल प्राप्त होगा और दूसरे विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि दूसरा पुनर्विवाह कब होगा, इसकी हमने एक सरल सी जानकारी जो संक्षिप्त जानकारी है वो हमने आपको प्रदान की है। तो आप जो भी जातक और जातिका हैं, स्त्री पुरुष हैं, अपनी कुंडलियों में देखें कि अगर इस तरह के योग बनते हैं तो आपका पुनर्विवाह निश्चित रूप से संभावना बढ़ा देगा, आपका पुनर्विवाह होगा। तो आपको हमारी चैनल पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कंसल्टेशन परामर्श अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बेल आइकन क्लिक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।